हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यूं तो नवरात्रि एक साल में चार बार आते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से मानी जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक लोग माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। 9 दिनों तक किए जाने वाले इस नवरात्रि के उपवास में लोग फल, सब्जियाँ, कुट्टू आटा, साबूदाना और सेंधा नमक आदि खाते हैं। इसके साथ ही दो ऐसी चीज है जिसे इस व्रत के दौरान नहीं खाया जाता, इसे खाने के लिए सख्त मनाही होती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये प्याज और लहसुन ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए आज आपको बताते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है। 3 आधार पर बांटे गए हैं खाद्य पदार्थ। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति और खाने से शरीर में होने वाले प्रभाव के आधार पर 3 श्रेणियों में, जिसमें सबसे पहला है राजसिक भोजन, दूसरा तामसिक भोजन और तीसरा सात्विक भोजन में बांटा गया है। नवरात्रि में व्रत के दौरान लोग केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। हालांकि इसके पीछे धार्मिक मान्यता के साथ साथ एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने कई नियम बेहद सोच समझ कर रखे हैं, जिसे अपनाने से हमें अप्रत्यक्ष रूप से फायदे मिलते हैं। वैज्ञानिक कारण, शरद नवरात्रि अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है, जबकि अक्टूबर नवंबर के महीने में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। मौसम में व्यापक बदलाव के चलते इस दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मौसम में सात्विक भोजन करने का नियम बनाया गया है। सात्विक भोजन खाने से आपके पाचन तंत्र को बेहद आराम मिलता है और शरीर की सभी अशुद्धियां भी साफ हो जाती है। व्रत में खाई जाती है ये चीजें, दरअसल सात्विक शब्द सत्व शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ शुद्ध, प्राकृतिक और ऊर्जावान है। वहीं सात्विक खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो इसमें ताजे फल, दही, मौसमी सब्जियां, सेंधा नमक, धनिया और काली मिर्च आदि शामिल है। व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज और लहसुन, वही बात करें प्याज और लहसुन की, तो इन्हें प्रकृति में तामसिक माना जाता है, जो शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा प्याज शरीर में गर्मी पैदा करता है। यही वजह है कि नवरात्रि के व्रत में ये खाने की सख्त मनाही है। साथ ही लहसुन को रजोगिनी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अपनी प्रवृत्ति पर पकड़ खो सकता है। माना जाता है इसे खाने से आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह के भोजन से हमारे शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता।